तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो जनता जनार्दन, तेरा ध्यान किधर है, आपका हीरो यहाँ पे है। हीरो यह है रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स 5G। 20,000 के बजट में मार्केट में काफ़ी हद तक स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं हीरो इसलिए कह रहा हूँ कि 20,000 के बजट में, अगर आपका बजट 20,000 हो, आपके पास 20,000 रुपीज़ है, स्मार्टफोन खरीदना है, तो आपको बिल्कुल यही स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए ये स्मार्टफोन, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखो, पूरा समझ जाओगे। तो सबसे पहले ये जो हीरो है रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स 5G, वाओ, क्योंकि यहाँ पे 5G जो बैंड है, यहाँ पे 7+ बढ़िया बैंड्स आपको देखने को मिलेंगी। 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले बैंड्स को देखना भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। जैसे 4G नेटवर्क स्पेक्ट्रम में 4T LTE दोनों सिस्टम है, यहाँ पे भी 5G को देखने के लिए 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले उनका बैंड भी आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे है 7+ 5G बेस्ट ऑफ बैंड्स, ये है सबसे प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट है यहाँ का डिस्प्ले भी है। डिस्प्ले में आप देख पा रहे हो 6.67 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ, स्क्रीन PPI है, पिक्सल डेंसिटी है 395, सुपर एमोलेड पैनल के साथ इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 1080x2400, और गोरिल्ला ग्लास V5 का भी प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब डिस्प्ले के मामले में फुल टू हीरो है। और एक ही बात ये सोच रहे हो ना, गेमिंग वाले ये स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का भी शक्ति ये वाले स्मार्टफोन में हमको देखने को मिलेंगी। वाओ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अरे अगर आप रेडमी का स्मार्टफोनों को अगर आप दिल से प्यार करते हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी एक रेडमी का नया स्मार्टफोन आता है ना, तो मैं पूरा विस्तार से आप सभी को मैं समझा देता हूँ कि ये स्मार्टफोन क्यों खरीदना चाहिए या फिर नहीं। ये जो वेरिएंट है ना, 20,000 वाला जो वेरिएंट है वो होगा 6GB वेरिएंट, 6GB+128GB का वेरिएंट, यह भी सबसे बढ़िया है। दूसरी बात करेंगे इसका डिस्प्ले, तो A1 है। उसके बाद आता है यहाँ पे कैमरा सेक्टर। कैमरा में आप देख पा रहे हो कि 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल होगा इसका वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल उसका माइक्रो शूटर, और 5 मेगापिक्सल उसका डेप्थ सेंसर। कैमरा के ऊपर आपको 4K आप वीडियो शूट कर पाएंगे 30 FPS के साथ, इस वाले कैमरा के साथ 108 मेगापिक्सल। मतलब कैमरा के मामले में भी ये स्मार्टफोन, तेरा ध्यान किधर है, ए तेरा हीरो इधर है, कैमरा A1, डिस्प्ले A1। फोन कैमरा की बात करूँ, यहाँ पे है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हम देख पा रहे हैं, और फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30 FPS का वीडियो आप शूट आप कर पाएंगे। तो यह है नंबर 2 ऑफ द हीरो। उसके बाद आता है ये वाले स्मार्टफोन में आपको गेमिंग के लिए कौन सा मोड हमको देखने को मिलेंगी। गेमिंग वाले क्या ये स्मार्टफोन गेमिंग वालों के लिए हीरो होगा कि नहीं, एक बात के आपको पता चलेगा, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन में ये वाला चिपसेट है, यह है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 जो ये 5G चिपसेट है। ये चिपसेट गेमिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ये जो चिपसेट है इसका सेमीकंडक्टर साइज है 6 नैनोमीटर। 6 नैनोमीटर में यहाँ पे जो इसका जो कोर होगा ना, पहला कोर होगा एक सिंगल कोर 2.4 GHz में, उसका ट्राई कोर होगा 1.8 GHz में होगा, और आखिर में होगा ट्राइकोर 1.9 GHz में। और यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करो, ग्राफिक्स है इसमें एडिनो 642L वाला ग्राफिक्स। तो अगर पबजी खेलते हो, पबजी वाले 59 FPS के साथ पबजी मोड आप खेल पाएंगे हाई सेटिंग्स में। गेमिंग टेस्ट हो चुका है ये वाला चिपसेट के साथ, ये वाला चिपसेट का पावर है पबजी गेम को स्मूथली चलाने के अलग पावर है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से, तेरा ध्यान किधर है, ए तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ए तेरा हीरो इधर है। ये चिपसेट के बारे में और विस्तार से मैं कहना चाहता हूँ कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 जो ये चिपसेट है, यहाँ पे जो कोर के बारे में अगर आप फिर से सुनना चाहते हो, कि मैं कहना चाहता हूँ कि ऑक्टा कोर बेस प्रो में पहला कोर होगा सिंगल बेस प्रो में, वहाँ पे होगा 2.4 GHz में। दूसरा कोर होगा ट्राइकोर एक साथ, उसमें होगा 1.9, ये होगा ट्राइकोर, और जो मिडिल में होगा वो होगा क्वाड कोर
वहाँ पे होगा 2.2 GHz में, मतलब पहला सिंगल, सेकंड में होगा 4, आखिर में होगा ट्राई, सब मिलके होगा ऑक्टाकोर बेस फ्रॉम। तो ये हो गया शिवसेट के ऊपर विशेष ज्ञान। तो शिवसेट के बारे में जानना भी आपसे आखिर में। ये वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगी बैटरी सेगमेंट, जी हाँ बैटरी में आपको देखने को मिलेंगी 5200 mAh का मिलियम पर बैटरी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये वाले शिवसेट को 65 W का फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे जो सही न्यूज़ है ना, सही न्यूज़ में बताना चाहता हूँ कि आप ये वाले स्मार्टफोन के साथ आपको 33 W का फास्ट चार्जिंग का एडाप्टर आपको आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 65 W का फास्ट चार्जिंग भी ये वाला शिवसेट में आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाले बहुत आसानी के साथ आप यूज़ कर पाएंगे। तो 20,000 के बजट में जो इतना जो यहाँ पे कॉम्बो लगा ना, डिस्प्ले A1, कैमरा A1, रैम A1, शिवसेट A1, बैटरी A1, 5G बेंस के साथ, सब कुछ इसमें बढ़िया है। और आपको क्या सही है, आपको फिर भी आपका कुछ सवाल है मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि MI का कोई सा भी स्मार्टफोन जब भी लॉन्च होता है ना, मैं उसका वीडियो और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मेरे चैनल में लाता हूँ। MI का इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या मैं जो कहा तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, क्या ये सही लगता है या फिर नहीं, या फिर 20,000 के बजट में आपके दिमाग में कुछ और है, कमेंट कीजिए। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है।